अमृतसर जाना जाता है अपने बेहतरीन स्वाद के लिए, और अमृतसर का स्वाद आ चुका है हमारे अपने शहर में जलंधर में। जी हाँ, मैं आया हूँ आज PB02 अमृतसरी कुलचे। अमृतसर का कुलचा सिर्फ अमृतसर में बेस्ट माना जाता है। जी हाँ, अमृतसर से आकर भैया बना रहे हैं हमारे जलंधर में अमृतसरी स्वाद। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको सारा सेटअप। वीडियो पॉइंट तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए आइए, चलते हैं। और भाई साहब, अंदर आ चुके हैं। सबसे बेहतरीन बात मैं यहाँ की बताता हूँ आपको, ये देखिए जी, खड़े मसाले रहते हैं, उसके साथ ये कुलचा बनाया जाता है। ये है जी आलू की स्टफिंग, आलू की, प्याज की, ये सारे खड़े मसाले रहते हैं जिसका यूज़ यहाँ किया जाता है। और सारे मसाले, सब कुछ आता है अमृतसर से, क्योंकि ये उस्ताद जी, देखिए जी, ये जो उस्ताद जी है ना, ये हमारे, ये आते हैं जी अमृतसर से। भाजी अमृतसर से? भाजी कितने साल हो गए आपको कुलचे बनाते हुए? कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। और भाई साहब, आपको डो दिखाता हूँ मैं, जो डो तैयार किया जाता है उसकी सारी मेकिंग दिखाता हूँ, आइए। और भाई साहब, ये तैयार की जा रही है अमृतसरी कुलचे की लेयर। इसके बिना एक अच्छा अमृतसरी कुलचा तैयार नहीं हो सकता जनाब। ये लेयर्स तैयार की जाती हैं, इसके अंदर बहुत सारा जो है घी लगाया जाता है। यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है, ये आप चेक कर सकते हैं जी, डालडा घी यूज़ किया जाता है। कई जगह पे मक्खन भी यूज़ किया जाता है, कई जगह पे देसी घी भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डालडा किया जाता है। भैया का मानना है कि डालडा घी से जो लेयर तैयार की जाती है ना, वो बहुत क्रिस्पी तैयार होती है जनाब, ज़बरदस्त है। आप चेक कर सकते हैं जी, हर लेयर के अंदर जो है ना, वो घी लगता है, कसूरी मेथी लगती है। और ये तैयार हो चुकी हैं जी अमृतसरी कुलचे की लेयर्स, ज़बरदस्त है जनाब। अगर कोई अमृतसरी कुलचा खाना बहुत पसंद करता है आपका दोस्त, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बेहतरीन स्वाद अगर जलंधर में कहीं मिलता है ना, तो वो है जी PB02 अमृतसरी कुलचा। ये देखिए जी, एक बार फिर से घी आ चुका, और ये फाइनली जो लेयर तैयार हो रही है ना, वो ये हो रही है जनाब। ये डो जो है वो तैयार हो चुका है एकदम से। भाई साहब, कितनी लेयर्स होती है इसमें, ज़रा चेक करवाइएगा हमें। जी सर, करवाएंगे। लो जी, हम देखते हैं जी टोटल लेयर्स। कितने कुलचे की ये डो तैयार हुआ है सर? सर ये कम से कम 20 कुलचे की। ये 20 कुलचे का डो तैयार हुआ है। तो क्वांटिटी में यहाँ पे खेल खेला जाता है, बहुत पसंद किया जाता है यहाँ का अमृतसरी कुलचा। और ये चेक कीजिए जनाब, इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ इसमें लेयर्स कितनी है। उस्ताद जी चेक करवाना ज़रा। ये देखिए जी, कितनी लेयर्स बन चुकी हैं ये आप चेक कीजिए, ज़रा गौर कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 के करीब होंगी, गिनना तो मुश्किल है, लेकिन 15 के करीब ये लेयर्स तैयार हो चुकी हैं जो अमृतसरी कुलचे को स्पेशल बनाती है जनाब। अमेजिंग है भाई साहब, अमेजिंग। और भाई साहब, ये हमारे लिए जो कुलचा लगने जा रहा है जी, हम भी आज आलू वाला खाएंगे, क्योंकि आलू वाला जो कुलचा होता है ना, वो ऑथेंटिक अमृतसरी स्वाद माना जाता है। अगर आप पनीर वाला खाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, अगर आप गोभी वाला खाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो ये उस्ताद जी हमारे लिए लगा रहे हैं जी आलू वाला कुलचा, लीजिए जनाब। और साइज से कीजिए, बड़े वाला साइज रहता है। भाजी कितने का रहता है आलू वाला कुलचा? 60 रुपीज़ का ये आलू वाला कुलचा रहता है। और ये 15 से 20 लेयर वाला कुलचा है हमारे जलंधर में, शायद ये फर्स्ट शॉप ऐसी है जहाँ पे आपको टिपिकली अमृतसरी स्वाद यहाँ मिलने जा रहा है जनाब। और ये चेक कीजिए जनाब, ज़बरदस्त है, अमेजिंग है जी। ये कुलचा रेडी हो चुका है जी, और ये जाएगा जी अब तंदूर में, लीजिए जनाब, ये तंदूर में जाने के लिए रेडी है। फिर सबसे बढ़िया बात यहाँ पे रहती है कि भाजी खुद होते हैं जो तंदूर संभालते हैं और क्वालिटी संभालते हैं जनाब। यहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और यहाँ का मोटिव सिर्फ एक ही है कि प्योर अमृतसरी स्वाद आपको जलंधर में देना। ये लीजिए जनाब, ये लग चुके हैं जी अमृतसरी कुलचे, और कितनी क्वांटिटी में लग रहे हैं ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। और ये भाजी ऊपर डालडा ही लगाते हैं, और डालडा और अमूल बटर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्रिस्पी बनाने के लिए डालडा का यूज़ किया जाता है, ये आप देख सकते हैं जी ऊपर एकदम से। और ये 1, 2, 3, 4, 5 कुलचे, और 4-5 कुलचे अंदर तंदूर में लगे हुए हैं। और ये देखिए जी, ये लगने जा रहे हैं जी तंदूर के अंदर, और स्पीड चेक कीजिए भाजी की, एकदम से सुपर फास्ट, लीजिए जनाब, और तंदूर एकदम से फुल हो जाएगा। और अगर आप भी अमृतसरी कुलचा खाना बहुत पसंद करते हैं ना जनाब, तो आप PB02 अमृतसरी कुलचा जलंधर में मिस नहीं कर सकते जनाब, बेस्ट ब्रेकफास्ट आपका बन जाएगा। और ये देखिए जनाब, कितने सारे कुलचे एक बार में लगे हुए हैं, और ऐसे ही ये सेटअप हर 5 मिनट के बाद दोबारा से तंदूर भर जाता है, और दोबारा से फिर से ख़त्म हो जाता है, बस यही प्रोसेस चलता रहता है। और बहुत पसंद किया जाता है यहाँ का अमृतसरी कुलचा, हमारा कुलचा भी इसके अंदर लगा हुआ है, बाहर आता है तो आपसे मिलते हैं। और भाई साहब, ये रेडी हो चुका है जी हमारे लिए अमृतसरी कुलचा, और ये आ चुका है जी तंदूर से बाहर, और साइज से कीजिए जनाब, बिग साइज रहने वाला है। और ये आ चुका है जी ऊपर अमूल बटर। अरे भाई साहब, ये ऐसे चूर चूर करके अमृतसरी कुलचा खाने का आता है मजा, लीजिए जनाब, ऐसे प्लेटें सजती हैं क्वांटिटी में। ये है जी हमारा पंजाब, हमारा जलंधर,
लीजिए जनाब, ये जी आ चुके हैं जी छोले। छोले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पाजी छोले दिखाना एक बार ज़रा। और ये चेक कीजिए जनाब, छोले चेक कीजिए ज़रा। ये है जी अमृतसरी स्पेशल छोले, जो तड़के के बिना रहते हैं। आप इसमें खड़े मसाले देख सकते हैं जनाब, मिर्ची, नमक, धनिया, जो भी मसाले रहते हैं, खड़े मसाले रहते हैं, उसी से ये तैयार किए जाते हैं। इसमें कोई तड़का नहीं रहता जनाब। और जनाब अमृतसरी जायके को कम्प्लीट करती है ये पुदीने की चटनी और प्याज। और ये है जी अमृतसरी स्पेशल चटनी और प्याज आ चुके हैं जी प्लेट में, और ये प्लेट हमारी सज चुकी है। आइए जायका चखते हैं, टेबल पे मिलते हैं आपको, जबरदस्त स्वाद होने वाला है जनाब। मुंह में पानी चल रहा है फुलन, सीधा टेबल पे चलते हैं और जायका चखते हैं कैसा होने वाला है। तो भाई साहब अमृतसरी कुलचा आ चुका है जी हमारे टेबल के ऊपर, और जितनी देर इसकी मैं मेकिंग देखता रहा ना, मुँह में पानी चलता रहा जनाब, जबरदस्त है। और सबसे बेहतरीन देखिए जनाब, यहाँ के छोले चेक कीजिए, एकदम से थिक है, और बहुत देर तक इसको धीमी आंच के ऊपर पकाया जाता है, और इस पर कोई भी तड़का नहीं लगाया जाता। ये है जी रियल अमृतसरी टेस्ट। और इसके साथ ही जाती है ये पुदीने की चटनी और प्याज। ये जो मिक्सचर रहता है ना, ये इस जायके को बहुत कमाल बना देता है जनाब। और इसकी स्टफिंग चेक कीजिए सबसे पहले, तो मैं आपको थोड़ा सा पास आइए और देखिए, ये चेक कीजिए जनाब, परतें उतर रही हैं, ये लेयर्स का कमाल है जो इतना क्रिस्पी है। और ये स्टफिंग चेक कीजिए एंड तक, और खड़े मसाले देखिए जनाब, एकदम से आपको नज़र आ रहे होंगे। यही होती है जनाब एक असली, एक बेहतरीन अमृतसरी कुलचे की पहचान। तो आइए जायका चखते हैं, बाइट लेते हैं जी, क्योंकि अब वेट नहीं की जा रही। लीजिए जनाब, ये बाइट आ चुकी है जी अमृतसरी कुलचा, और ये आ चुके हैं जी अमृतसर के छोले। और बाइट देखिए जनाब, आपके भाई पेटू सिंह ने बड़ी सी बाइट रेडी की है, क्योंकि भूख लगी है बहुत ही तगड़े वाली। लीजिए जनाब, कुलचे में जो स्टफिंग की गई है आलू की, उसके मसालों का स्वाद बहुत बैलेंस्ड है, बहुत मज़ेदार है, और इसके ऊपर जितना अमूल बटर डाला गया है उसका स्वाद जनाब लाजवाब बना देता है इसको। और यार इसकी चटनी की जो मैं इतनी तारीफ करता रहा हूँ, इसको लेते हैं, सही है यार, बहुत सही है। समझ से बाहर है कि कुलचे की ज़्यादा तारीफ की जाए, छोले की जाए, या चटनी या प्याज की, तीनों के लिए एक ही बात बोलूँगा, लाजवाब, शानदार, मज़ेदार, मज़ा आ गया। अगर मैं जलंधर की बात करूँ तो अमृतसरी कुलचा बहुत कम प्लेसेस है जहाँ पे बहुत अच्छा बनाया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर आपका भी कोई फेवरेट प्लेस है तो ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ खाने जाते हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि बढ़िया कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, PB02 अमृतसरी कुलचा पे आइए और आपका दिन बन जाएगा। अगर आप संडे, मतलब पंजाबियों का यही होता है ब्रेकफास्ट, या अमृतसरी कुलचा खा लिया जाए, या पूड़ी छोले खा लिया जाए, या भटूरे छोले खा लिए जाए। तो अगर भटूरे छोले या पूड़ी छोले खा के थक चुके हैं ना, तो अमृतसरी कुलचा खाने पहुंच जाइए जनाब, PB02 अमृतसरी कुलचे में आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। तो एड्रेस मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ कि नकोदर रोड पे हूँ मैं जलंधर में, लवली स्वीट्स के बिल्कुल अपोजिट आपको आना है, PB02 अमृतसरी कुलचा आपको मिलेगा, येलो कलर का बोर्ड लगा होगा, आपको यहाँ पहुँचते ही, जायका चखते ही आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे क्राउड रहता है, 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के आइएगा, क्योंकि अच्छा जायका खाने के लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। कहते हैं कि सब्र का फल जो होता है ना, वो मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे एक करारा मिलेगा, मज़ा आएगा। तो आइएगा, खाइएगा, और ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी। प्यार देते रहिएगा, चलता जाएगा जायकों का सफ़र आपके प्यार के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक प्यार देते रहिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।